और उनका आशीर्वाद लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, आपको मैं जरूर बुलाऊंगी, लेकिन हमारे गेस्ट भी हैं, मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करूँ। नहीं, आप सर, आप रुकिए, चंद्रशेखर सर, प्लीज आप भी आ जाइए, प्लीज प्लीज, ऑल ऑफ यू ऑल। हमारे साथ लेडीज एंड जेंटलमैन है द ग्रैंड सन ऑफ द फॉर एवर लेजेंड दादा साहेब फाल्के सर, मिस्टर चंद्रशेखर पुसलकर, और दादा साहेब फाल्के जी की ग्रैंड डॉटर इन लॉ है जो मृदुला जी, जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं हमेशा जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं। आज इंडिया में इंडियन सिनेमा ओनली ओस टू वन पर्सन एंड दैट इज द फॉर एवर लेजेंड श्री दादा साहेब फाल्के जी, एंड वी आर ट्रूली ट्रूली ऑनर्ड टू हैव यू हियर सर। सर, हम आपसे दो शब्द सुनना चाहेंगे। 75th एनिवर्सरी है, 16th of February 2019 को 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थे जी, दो दिन पहले 16th of February, और इसी मौके पर सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी दो शब्द कहिए प्लीज। आज मैं क्या कहूँ, आई फील वेरी इमोशनल। आज मेरे ग्रैंडफादर के लिए आप सब लोग आए हैं। यू हैव टेकन लॉट ऑफ पेंस। आई एम थैंकफुल टू अनिल जी, सिमरन एंड ऑल माय स्टार्स कलीग्स हु आर स्पेंडिंग द टाइम फॉर माय ग्रैंडफादर। ही इज नॉट रिमेन ओनली माय, अब वो मेरे ही सिर्फ ग्रैंडफादर नहीं रहे, ये सारे आप लोग के भी वो ग्रैंडफादर रहे। आप एक चीज या ध्यान में रखिए, दादा साहेब फाल्के इज अ ऑल टाइम सेलिब्रिटी, क्योंकि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू टूडे सेलिब्रिटी, आई एम ऑल्सो फैन ऑफ देम, लेकिन उनके नाम 100 साल बाद भूल जाएंगे। जब तक सिनेमा है तब तक दादा साहेब फाल्के का नाम अमर रहेगा। तो मेरे ख्याल से इसलिए मैं हमेशा गवर्नमेंट को अपील करता रहा हूँ, 25,000 रुपया से उन्होंने सिनेमा का स्टार्ट किया, अपने पत्नी के गहने बेचकर और इंश्योरेंस पॉलिसी मॉर्गेज करके, बहुत कठिनाइयों के सामना, और लंदन से ऑफर आई थी वो भी रिव्यूज की। तो मेरे ख्याल से इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उसका नाम पे आज ये इंडस्ट्री खड़ी है। आज ये इंडस्ट्री का टर्नओवर है 1,50,000 crores पर ईयर, दैट इज ऑन द बेस ऑफ सेक्रीफाइस बाय दादा साहेब फाल्के। आई अपील टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, प्लीज प्लीज रिकमेंड हिज नेम फॉर द पोस्ट ऑफ भारत रत्न। ये साल 3 भारत रत्न दिए गए, मेरे ख्याल से अप्रैल से उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी शुरू होने वाली है, एंड दैट विल बी राइट ट्रिब्यूट टू हिम। आई अपील टू द गवर्नमेंट टू पुट गिव हिम पोस्ट ऑफ भारत रत्न प्लीज, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अनिल जी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, कॉलिंग मी, रिमेंबरिंग अस सिमरन जी। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू रिमेंबर अस दादा साहेब फाल्के। दादा साहब को अपने एज ए कैपिटल बांडवल देने बांडवल के लिए, लेकिन उतना ही नहीं, वो उन्होंने इतना सहायता की है दादा साहब की। उनका संसार तो फिल्म का संसार था, उनका ऐसा ऑफिशियल संसार नहीं था, तो उसके सब लोगों का खाना वो बनाती थी सब मिलके, और सबका सब क्या कौन बीमार है, कौन किसको क्या चाहते हैं, तो सब ध्यान देती थी। इतना ही नहीं, वो 100 years back द फिल्म्स वेर नॉट परफोरेटेड, फिल्म्स को परफोरेशन नहीं आता था, वो हैंड से करना पड़ता था, अभी तो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो वो रात को 2-2 बजे तक हैंड पंचिंग करके, सब काम करके हैंड पंचिंग करती थी, और वो भी वो जो अपना लालटेन बोलते हो, लालटेन को जिलेटिन का पेपर लगा के वो काम करना पड़ता था। इतना ही नहीं, वो 2-2 घंटा बेडशीट, व्हाइट बेडशीट लेकर एज ए रिफ्लेक्टर वो धूप में खड़ी रहती थी। तभी जमाने में रिफ्लेक्टर्स किधर थे, आज तो सब पूरा चेंज हो गया है। इतना ही उसका इतना योगदान है, किसी को मालूम नहीं, क्योंकि 100 years back लेडीज को, महिलाओं को इतना रिजर्वेशन, इतना रिकॉग्निशन ही नहीं था। सो आई थिंक
She's a female, first female technician of India. Of India. तो मेरे गवर्नमेंट से मैं अपील करती हूँ, कोई जर्नलिस्ट है तो कि उसके नाम से एक अवार्ड चालू करे सरस्वती भाई फालके, बेस्ट एडिटर, बेस्ट फीमेल टेक्नीशियन या कोई फिल्म डायरेक्टर कोई भी होगा तो उसके नाम से एक अवार्ड रखना चाहिए, तभी उसको रिकग्निशन मिलेगा क्योंकि 100 years बैक उसने जो काम किया है उसका कोई किसी को पता नहीं है। ओके, धन्यवाद। मैं आप सबको एक चीज कहने का भूल गया कि हम लोग ने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवेयरनेस मिशन हम लोग ने चालू किया, मेरे जो कलीग्स है मिस्टर वीरेंद्र नायक और मिस्टर विनय बाग, फेमस स्कल्प्टर है वो लोग, मिस्टर वीरेंद्र नायक ने हमारे लिए दादा साहब फाल्के के ऊपर फर्स्ट वेबसाइट इन अ वर्ल्ड बनाई है। यू कैन गो टू द गूगल एंड सर्च फॉर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवेयरनेस मिशन, यू कैन विजिट द वेबसाइट और उसमें 19 minutes का मेरा वीडियो है ऑन लाइफ ऑफ दादा साहब फाल्के, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम नाउडेज। और ये जरूरी है, आज सभी को दादा साहब फाल्के अवार्ड पता है लेकिन दादा साहब फाल्के का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम लोग को पता है। दैट वी आर ट्राइंग, वी आर ऑल्सो डूइंग टॉक शो, प्लीज प्लीज विजिट दिस वेबसाइट एंड यू कैन सी माई यूट्यूब वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। And we also have Siddharth. Sid, can we have you here? His handsome son, who's here with us. And of course, yet another S. So Joy Mukherjee, along with Miss Supriya, his wife, his lovely wife, is here too. And the very handsome kid is here. Joy Neil Mukherjee. What's his name? Joy Neil. Okay, Joy Neil. Okay, he's Joy Neil Mukherjee. And of course... our legend, Mr. Joy Mukherjee, is always with us because once a legend, always a legend is what I believe in. So we'll have the bites from them. And I'd like to welcome you all inside, please. Thank you so much. Nice to be here. It's not really about me. It's about this youngster, my director, who is son of Mr. Joy Mukherjee, the consummate entertainer. And it was a joy to... all the people concerning the industry and all the, his audience. So, and he's made a film which is not just entertainment, but also meaningful. It has a meaning. उसमें thoughtful भी है, वो सोचने पे मजबूर भी करती है, और inspire भी करती है, और entertain भी करती है। तो ये सब चीज़ें हैं और इनका जो enthusiasm है और इनका focus और इनका शौक, मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख वाली बात, वो that has rubbed off into the film and he's made a wonderful film. And before this, I don't know whether he's going to win another award, I hope so, he does, because it's a great film. But he has won about 18 already, internationally, all over the world. So I wish him the best and it's all yours. Thank you, sir. Kavaljeet, Mike Kokuda. I'm Sujoy Mukherjee. Meri do filme, short film officially select hui hai. Ab mujhe Udna Hai aur Umeed. And I'm so excited for this event. And it's an honor to be here at Dada Saab Phalke International Film Festival. Thank you very much. Thank you. ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को यहाँ पे आने के लिए बुलाना और अवार्ड के लिए बोलना हमारे सब इंडिपेंडेंट जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में आज मेरे को एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड एज अ बॉलीवुड सिंगर यहाँ पर बुलाया। और ऐसे अवार्ड्स, इन अवार्ड्स के साथ आर्टिस्ट को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, इन अवार्ड्स के साथ आर्टिस्ट को और अच्छा काम करने के लिए
प्रेरणा मिलती है और अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट करना है और अच्छे तरीके से वो सीखने को मिलता है और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। आई थिंक अवार्ड्स जीतने से ज़्यादा अच्छा है अच्छा गाना देने के लिए और ऑडियंस उस गाने को प्यार करे वो रोज़ का अवार्ड है एज एन आर्टिस्ट अगर आप मुझसे पूछते हो तो हाँ। बट ऐसे अवार्ड्स जिससे आपकी फैमिली आपका गांव आप जहाँ से आए हो वो खुश होते हैं ये भी ज़रूरी है और मैं बहुत ही लकी अपने आप को समझता हूँ कि हिंदुस्तान की ऑडियंस मेरे गानों को सुन रही है अपना टाइम दे रही है और मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्टों को सपोर्ट कर रही है क्योंकि हमारा जो कुछ भी है वो ऑडियंस के साथ ही जुड़ा हुआ है और आई थैंक एवरीबडी इतना प्यार करने के लिए गानों को। मैंने अभी बताया कि मैं 2012-13 से गा रहा हूँ 15-16 में मुझे रिकग्निशन मिली और आज 2019 में मुझे एक ऐसा अवार्ड मिल रहा है जिसको पाने के लिए आई थिंक एवरीबडी वर्क हार्ड एंड मैं और मेरे साथ साथ मेरा सारा गांव प्राउड फील कर रहा है और आई मेक श्योर कि मैं उन सबको ऐसे प्राउड फील करवाता रहा हूँ एवरी डे बाई मेकिंग गुड म्यूज़िक बाई मेकिंग म्यूज़िक जो सब सुन सके बच्चे भी सुने मेरे जैसे भी सुने और बूढ़े लोग भी सुन सके ताकि मैं किसी ना किसी तरीके हर एक जॉनरा को एंटरटेन कर सकूँ। मैं जब भी क्योंकि मैं बहुत ही छोटा हूँ ऐसी चीज़ के ऊपर कोई भी अपना एक आंसर देने के लिए बट हाँ हमारे जवान हमारे लिए वहाँ पे खड़े हैं एंड जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो हमारे देशों में हमारे बॉर्डर पे शांति बनी रहे ताकि हमारे ही जो भाई वहाँ पे हमारे लिए खड़े हुए हैं वो हमेशा खुश रहें और अच्छे तरीके से अपने देश की सेवा कर सकें और आई थिंक भगवान से ज़्यादा इस चीज़ को कोई भी ठीक नहीं कर सकता अगर भगवान आज चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है सो हमें सबको उस जिस भी भगवान को हम मानते हैं उनको प्रे करनी चाहिए कि जो हमें सेफ रख रहे हैं वो हमेशा सेफ रहे। उनके लिए गाना संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है के पूछे जाती है के घर कब आओगे लिखो कब आओगे के तुम बिन ये घर सूना सूना है। जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू पर्सनल इश्यूज़ हैं, मैं कुछ ज़्यादा कुछ कमेंट कर नहीं सकती। अब एग्जैक्टली क्या हुआ होगा ये सपना ही जानती है अच्छे से, तो मैं और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी इसके रिगार्डिंग। हाँ, मुझे ऑफकोर्स वो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, तो मुझे काफ़ी उनके बारे में पता है, हम एक दूसरे से बातें चलती रहती हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से, तो बस मैं जो भी होगा वो खुद अच्छे से जानती है इन सब चीज़ों के बारे में। थैंक यू। देखिए अवार्ड किसी को मिलता है कौन एक्साइटेड नहीं होता है, सब होता है, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, आत्मा प्रसन्न है, बहुत खुश है कि वहाँ बिहार से आके और इतने बड़े मतलब प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक पहुँचे और फिल्मों में गए तो उसका भी परिणाम मिल रहा है, लोग जान रहे हैं पहचान रहे हैं और इतना बड़ा मतलब ये जो इतना तामझाम कैमरा सब मेरे लिए है, हमको लोग सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।
इसके लिए सबको दिल से थैंक यू, और दादा साहब फिल्म फेस्टिवल इनको दिल से थैंक यू कि इन्होंने इस काबिल समझा कि हम को बेस्ट इंटरटेनर का अवार्ड दिए। देखिए हमारे नाना जी कहते थे ना कि जब भगवान देखते हैं ना तो फिर वो एकदम फुर्सत से देखते हैं, तो बचपन से बहुत मेहनत किए, बहुत मतलब लगे रहते थे इसी फील्ड में कि किसी तरह यहाँ तक पहुँचे। शायद यहाँ तक पहुँचने का इतना जल्दी सपना भी नहीं देखे थे हम, लेकिन इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है वो। हाँ पूछिए जी। जी एल्बम जो आने वाला है ना वो अभी जस्ट शूट खत्म हुआ हमारा, और बहुत प्यारा गाना है, रीना मेहता जी हैं प्रोड्यूसर और अनूप जलोटा जी ने गाया है उस गाने को, तो रीना मेहता जी का गाना है, आवाज़ भी उसमें रीना मेहता जी का है। अभी भुज में हमारा शूटिंग खत्म हुआ, आज ही हम आए हैं वापस शूटिंग से, तो बहुत प्यारा गाना है। और अभी आगे जो एल्बम आने वाला है ना उसमें मेरा गाना होगा, और उसमें हम और सोमी साथ में एक्ट करेंगे, लेकिन गाना मेरा होगा। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। फाल्के अवार्ड रखने के लिए एक बिल्कुल अलग सा शेल्फ बनाकर रखा है, इट इज दैट प्रेस्टीजियस। जब बड़े सारे लोगों को पता चला कि मैं नॉमिनेटेड हूँ और शायद आज ये अवार्ड पाने वाली हूँ, तो लोगों ने मुझे कहा कि स्टेज के चरण स्पर्श करके आना, तो ये बहुत ही उम्दा अवार्ड है। मुझे लाइफ में बड़े सारे अवार्ड मिले हैं, मगर मुझे लगता है ये अब तक का मेरे जीवन का सबसे सफल अवार्ड है। आई कैन नॉट बी थैंकफुल इनफ, वेरी हैप्पी टुडे। आई एम गोइंग टू रीकन्फर्म, मगर मुझे बताया गया है कि रेडियो के कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ आरजे या बेस्ट रेडियो पर्सनैलिटी के हिसाब से ये पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है। वी नो वॉट दादा साहेब फाल्के अवार्ड स्टैंड फॉर, मगर ये पहली बार अवार्ड हो रहा है जिसमें मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट ऑनर्ड टू बी हियर। बहुत सारे बचपन से हम ये नाम सुन रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ। फॉर इंडिया फिटनेस आइकन के लिए मुझे नॉमिनेट किया, तो आई थिंक बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए। आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल विद सच अ ह्यूज रिस्पेक्टेड, जितने लोग इस अवार्ड से जुड़े हैं अब तक, जिन लोगों को मिला है, मेरे ख्याल से I am a huge fan of them, I am nothing. फिलहाल मैं आई एम वेरी हैप्पी जो मैं कर रहा हूँ, आई मीन इंस्टाग्राम यूट्यूब फैमिली, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। फिल्मों में मैंने ट्राई किया, मुझे कुछ काम नहीं मिला, सो मुझे लगा कि दाल रोटी चलाने के लिए कुछ और कर लेता हूँ। सो नाउ आई एम इन टू हेल्थ एंड फिटनेस एंड आई एम इन्जॉइंग द मोमेंट। सब बहुत शौक़ हैं इस चीज़ के लिए, बहुत उदास हैं, उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी सुखी है। हम लोग माँ बाप, हमारी फैमिली, हमारी सिस्टर्स, इस देश में हम जी रहे हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो जो लाइन जिस लाइन में खड़े होते हैं वो हिंदुस्तानी इंडियन देयर पासपोर्ट देयर। सो आई होप ऐसा हमारे साथ, हम में से किसी के साथ, इस देश में ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ आइंदा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी का मौका।
मौका है एंड आई थिंक इट्स येट अनदर ईयर वेयर द प्रेस्टीजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गोइंग टू बी गिवन आउट. फर्स्टली आई वांट टू कंग्रेचुलेट DIPFF फॉर देयर continuous endeavor in and being so successful in getting the people to be awarded for their work, and it's a great opportunity for every technician, every actor, every member of the film fraternity to be accoladed with such a prestigious award. Prestigious awards and a very serious award at that, for that matter of fact, which is something that if you get it in your lifetime of work, you're blessed. Yes, I'm nominated today. I am nominated and I'm very thankful to the fraternity for this nomination and for acknowledging my work, and I think whether you get the award or you don't get the award, the nomination itself is also a great and integral part of you know, understanding that your work is taken seriously and your work is appreciated. Thank you so much. दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में यही कहना चाहूंगा कि इनको फादर ऑफ सिनेमा बोला जाता है और आज इन्हीं के अवार्ड मिल रहा है इन्हीं से, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. और जैसा कि आपको पता ही है, इनको तो बोला ही जाता है कि सिनेमा जो है इन्हीं का राजा हरिश्चंद्र, इनकी पहली वो थी फिल्म. तो बस इतना ही बोलना. थैंक यू सो मच. Equally agitated and upset about the whole incident, and I think we are all mourning together, but I think we stand united every time something like this happens, and we are only going to try and be better. Of course, I cannot really comment on how we can give it back to those who are responsible, but I'm really sure that the authorities are looking into giving it back equally. Thank you so much. Have a great evening. Thanks. दादा साहब फाल्के जो है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा नाम है. हमारे पितामह हैं इंडस्ट्री के, जिन्होंने इंडस्ट्री शुरू की थी, फिल्म इंडस्ट्री शुरू की थी, उनके नाम का अवार्ड मिलता है तो मैं समझ लीजिए कि अरमान खिल उठते हैं सुनील पाल के, अरमान खिल उठते हैं सुनील पाल के जब किसी को मिलते हैं अवार्ड दादा साहब फाल्के. बाजों को मैं ढूंढ रहा हूं कोबरा वालों, ऐसा जहर उगला है तुम लोगों ने. मैं समझता हूं कि वो जब मुझसे मिलने आए थे तो मुझे अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे मेरे साथ में, मैंने उन पे भरोसा किया, तो मैं जो सुरीले लग रहे थे, मुझे सुरीले लग रहे थे वो टी सीरीज की तरह, मुझे सुरीले लग रहे थे वो टी सीरीज की तरह, पर मेरे साथ खेल गए क्रिकेट सीरीज की तरह. अब जिंदगी भर अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, इतनी गालियां दूंगा उनको मैं वेब सीरीज की तरह. थैंक यू. दादा साहब फाल्के
अवार्ड की मैं सबको बधाई देती हूँ. जिस जिसको अवार्ड मिलने वाला है बहुत शुभ घड़ी है, उसके लिए सबको कॉन्ग्रेस करना चाहती हूँ. और यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं खुश नसीब हूँ कि मैं इसका पार्ट बनी हूँ. थैंक यू सो मच. इंडियन सिनेमा कहलाते हैं. आई मीन इट्स अमेजिंग कि 1913 में उन्होंने पहले एक फुल फ्लेज्ड फिल्म बनाई. और आई फील वेरी ऑनर्ड कि मैं यहाँ पे आज हूँ आप सबके साथ. और कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस इंडस्ट्री का, बहुत छोटा. और आई जस्ट फील वेरी ऑनर्ड टू बी हियर. थैंक यू. मुझे किसी कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली. आई एम जस्ट हियर टू अटेंड द अवार्ड्स. थैंक यू. बहुत सबको सबको बहुत दुख लगा, सबको बहुत दर्द हुआ और सबको बहुत बुरा लगा. मैं बस यही कहूँगी कि जो मेरा खुद का मेरा भाई, एक भाई आर्मी में है और एक भाई नेवी में है. और बहुत गर्व महसूस होता है जब वो वर्दी पहनते हैं और जो काम पे जाते हैं. और मुझे मालूम है क्या लगता है फैमिलीज़ को जब वो काम पे जाते हैं. कई कई दिनों तक हम उनसे फ़ोन पे बात भी नहीं कर पाते. और ज़्यादा करके जब वो काम पे जाते हैं तो उनके पास रिटर्न टिकट तो छोड़िए, कभी कभी टिकट भी नहीं होता. जैसे हैव टू गो एंड गेट देयर ओन टिकट एंड रन फॉर देयर ड्यूटी. एंड इट्स रिमार्केबल हाउ डेडिकेटेड दे आर टूवर्ड्स देयर जॉब. और मैं बस यही कहूँगी कि हमें सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे सिटीजन बने जिनके लिए लड़ने के लिए उन्हें भी गर्व हो. थैंक यू. आप लोगों से मिलने आई हूँ एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, दैट्स व्हाई आई एम हियर. एंड ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड टू बी हियर. किसी एक फिल्म का नाम लेना सही नहीं होगा बिकॉज बहुत सारी फिल्म्स थी, 3-4 थी. और अगर उसमें से किसी एक का नाम छूट जाए दैट वोंट बी गुड. सो बॉलीवुड इज डूइंग ग्रेट एंड बहुत अच्छी पिक्चर्स बना रहे हैं हम. आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड, दैट्स व्हाट आई वुड से. आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग. आई वुड जस्ट से उनकी फैमिलीज को थैंक यू सो मच. आप लोग वहां पर हो इसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं. मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं फील नहीं कर सकती हूँ. बहुत ट्रैजिक है एंड उसके बारे में बोलना भी कुछ सही नहीं होगा. बट हैट्स ऑफ टू द फैमिली जो अपने लोगों को भेजते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस. आप अपने लोगों को यहाँ पर भेजते हैं इसकी वजह से हम यहाँ पर सुरक्षित हैं. देखिए यहाँ आना मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है.
सो इनफैक्ट आई एम वेरी अनवेल, सॉरी यार. इसीलिए मैं आज यहाँ आना चाहती थी, इस इवनिंग का हिस्सा होना चाहती थी. सो आई फील वेरी गुड. अंदर क्या होने वाला है तो फ्यूचर तो नोबडी कैन प्रिडिक्ट. सो आई होप इट विल बी अ ग्रेट इवनिंग. आई गेट टू क्लैप फॉर सम ब्रिलियंट पीपल एंड एंजॉय द अवार्ड्स. आई थिंक it's like you said, it's extremely prestigious and I think her actor kabhi apni puri career mein chahta hi hoga ki unko ek bar ye award mile. So yeah, kaha wo ek hi saath sign ki thi sari last year. यही दैट आई गेस हर किसी चीज़ का एक टाइम होता है, जब जिस टाइम पे जो होना होता है आपकी लाइफ में वैसे ही होता है. सो आई एक्चुअली वॉन्ट टू टेल ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर ऑल्सो, डोंट हरी इन टू थिंग्स, डोंट रश इन टू थिंग्स, पुट इन योर हार्ड वर्क बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. कीप वर्किंग हार्ड एंड योर डेस्टिनी विल रिवील इटसेल्फ. बहुत एक्चुअली आई वॉजेंट इन द कंट्री वेन इट हैपेंड. सो एंड जब यूजली आप काम पे बाहर होते हो तो आप इतने सोशल, मतलब मैं इतना सोशल मीडिया पे उस वक्त थी नहीं तो सॉरी. बट आई थिंक आई गॉट टू नो अ डे लेटर एंड इट्स, आई मीन व्हाट कैन आई से, इट्स सो डिस्टर्बिंग एंड इट्स, एंड आई एम विद द गवर्नमेंट एंड आर फिल्म फ्रटर्निटी फॉर वट एवर स्टैंड दे आर टेकिंग. सो या इट्स वेरी शेमफुल. जी आप थे वहाँ पे कौन लोग? नो नो आई वॉन्ट टू आंसर दिस, इट्स फाइन. वेल जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है फैंटम घोस्ट लोग हैं जो अपने स्क्रीन्स के पीछे छुप के वो सब लिखते रहते हैं. जो मैं किसी को, मैं अगर आप जानते हो किसी को या आप थे मेरे साथ, अगर आपने कुछ देखा मुझे ऐसा कुछ करते हुए तो मुझे बोलिए, तो ऐसे क्वेश्चन का मैं जरूर आंसर दूंगी आपको. पर यह बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था जिसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है. थैंक यू. एनीथिंग एल्स? थैंक यू. बस दादा साहब फाल्के को बहुत बहुत मेरी तरफ से श्रद्धांजलि प्रणाम. बहुत ही ग्रेट आदमी थे जिन्होंने इंडस्ट्री के फिल्म को जन्म दिया, जिन्होंने सोचा कि फिल्म होनी चाहिए और ही वाज द फर्स्ट वन टू मेक द फिल्म. तो उनको मेरा बहुत बहुत सलाम, उन्हीं के वजह से हम सब यहाँ हैं. Dada Saheb Phalke, the person who started this industry, to have an award on his name and to be able to be here, be nominated, I think is a huge honor itself. So I'm very excited. I'm looking forward to a great evening. बहुत ही संवेदनशील सवाल है ये, और बहुत सारी फीलिंग्स एंड बहुत सारा एग्रेशन एक साथ जनरेट करता है. बात सिर्फ अटैक या सिर्फ जो हैपनिंग हुई उसकी नहीं है, वो सी सैड दुखद ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत छोटी हो जाती हैं. बहुत ज़्यादा रेज पैदा करने वाला इंसिडेंट है ये, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, बट दिस वॉज आई थिंक, बोलते हैं ना, पानी हद से ज़्यादा ऊपर बढ़ गया है. सो इट इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, दैट्स ऑल आई कैन से. आई थिंक आई रिमेम्बर जब ताज में अटैक हुआ था, हाउ आई फेल्ट एज अ चाइल्ड, एंड टुडे आई थिंक इट्स,
अभी भी गूज़बम्स आ जाते हैं. सो आई जस्ट रियली विश एन अपील कि हम एज इंडिविजुअल जरूर कुछ करें. बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो ऑनलाइन पॉसिबल है टू हेल्प एंड सपोर्ट एवरीवन. ये पर्पस सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन आई कैन प्रॉब्ली जस्ट अपील टू द गवर्नमेंट टू रियली डू समथिंग अबाउट इट. जब आप आर्टिस्ट एंड एक्टर्स की बात करते हैं, जब आप टेररिज्म और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, ये बहुत ही सेपरेट चीज़ें हैं. लेकिन ऑब्वियसली लाइंस ऐसे टाइम पे ब्लर इसलिए हो जाती हैं कभी कभी, बस एज इंडिविजुअल्स हर चीज़ को आइसोलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, एंड ऐसे टाइम पे बहुत सेंसिबल रहना भी डिफिकल्ट है. सो आई थिंक ये बहुत ही इंस्टिंक्टिव एग्रेशन है जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में बाहर आ रहा है. बिकॉज आई बिलीव ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में ही सारे जितने हैं या जितने मुस्लिम्स हैं फॉर दैट मैटर वो टेररिस्ट हैं. दैट्स नॉट द केस. बट बिकॉज जब ऐसा कुछ होता है इन सम और द अदर वे इट काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स, बट इट्स सैड. इट्स सैड. थैंक यू. थैंक यू. एक्सपेक्टेड अवार्ड है, सोचा नहीं था हमें कभी ये मिलेगा, एंड वी आर रियली रियली ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. और आप सबके प्यार की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बिल्कुल, अगर फैंस नहीं होते, जो आपका जो सपोर्ट है उसकी वजह से ही हम अभी यहाँ पे खड़े हैं. तो ये अवार्ड सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप सबके लिए है. ये सबका अवार्ड है. थैंक यू फॉर योर लव. थैंक यू. यस, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अब ये मिलने के बाद हम इतना ज़्यादा इंकरेज हुए, हमें और ज़्यादा कुछ करने का मन है. और अभी लग रहा है हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है इससे. सो इट्स अ न्यू जर्नी. यस, बिल्कुल बिल्कुल. सॉन्ग आज के लिए लेट्स डू अगला भी अगला वी लॉट सिंग टुगेदर. आप लोग भी गाएंगे, सुनाई देना चाहिए. 1 2 3 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया. ओ Thank you.
book is in center, right? Well, thank you so much for all the best wishes. Dada Saab Phalke Award is a very prestigious award. Getting an award over here is something that I am very excited about. Being nominated in this category is very exciting. Pretty exciting. New things are happening, and I think this is the first time I'm being invited over here. Inshallah, I hope I keep working hard and keep coming back over here. Ji. 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 मैं बस एक चीज समराइज करता हूँ. माई पेरेंट्स आर नॉट फ्रॉम द फिल्मी वर्ल्ड. द मोमेंट आई सेटेड आई गॉट अ नॉमिनेशन फ्रॉम दादा साहब फाल्के अवार्ड, माई मॉम वॉज वेरी एक्साइटेड. शी इज बीन हियरिंग अबाउट दिस अवार्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट्स लाइक ओह वाओ. सो आई थिंक दैट इज द रेलिवेंस ऑफ दिस अवार्ड. देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रेस्टीज व्हेन इट कम्स टू दिस इवेंट. एंड सो आई थिंक रिसीविंग इट इन माई फर्स्ट फिल्म मीन्स अ लॉट टू मी. जी 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 इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ है. मेरी वही फीलिंग्स है जो पूरी कंट्री के इमोशंस है इस टाइम पे. देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस टुवर्ड्स द सोल्जर्स. दे आर द पीपल हु आर प्रोटेक्टिंग अस, एंड आई कंप्लीटली स्टैंड बाय एवरीथिंग दैट आवर कंट्री इज डूइंग. And I really want to salute all the soldiers and the army people who are dying for us to make sure that we are safe in our country. Ji, 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 ji. See, I generally believe that right now it is, I just support the decision our government is making for the country. क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? This is not the time for it. A very unfortunate incident has happened in our country, and right now I'm thinking more towards the families of our soldiers than any other subject. Ji. Ji, main bahut jaldi aapko batane wala uske bare mein. It's something exciting. I can't wait for the film to be announced and for people to know about it. But very soon I shall do that. Today I'm not allowed to do so. Okay, thank you so much. Amazing, this is the first time main invite hui hu, aur main bahut khush ho gayi thi jab mujhe invite aaya tha, and I was like wow, I have to attend these awards, kyunki hamesha har saal se maine pictures dekhe logon ke jab wo attend karke jaate hain. So this is the first time I'm coming to these awards, to this award ceremony, and I'm very very happy. Thank you. शाम के लिए मैंने एक्चुअली मैं तैयारी की थी, और मैं बहुत एक्साइटेड थी, और इसलिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं अपने किसी पर्सनल अवार्ड फंक्शन में या किसी फंक्शन में मैंने साड़ी पहनी है, तो दिस ऑब्वियसली वेरी स्पेशल टू मी. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. आई डोंट से कि ये बताता है कि एक एक्टर कितना अच्छा है या कितना केपेबल है एक्टिंग करने का या कितना अच्छा एक्टर है, बट आई थिंक बहुत मोटिवेशन मिलता है आपको जब भी आप कोई अवार्ड रिसीव करते हैं, तो यू नो यू गेट मोटिवेटेड ना, तो फिर और आपको होता है कि यार और हार्ड वर्क करेंगे और मेहनत करेंगे और अगले साल फिर से आएंगे. तो एक कॉम्पिटिशन तो हमेशा से रहता है, तो उस कॉम्पिटिशन में यू नो और मेहनत करने का मजा आता है. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. I think there is nothing I can say about it because it's such a sad news. I think 14th Feb में ऐसी कोई इससे बुरी न्यूज हो ही नहीं सकती थी, और हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, और यू नो किसी मूवी में भी अगर कोई हीरो को चोट लग जाती है या हीरोइन को चोट लग जाती है तो इतना बुरा लगता है, इतना दर्द होता है, और यहाँ तो हमारे देश के जो असली जवान असली हीरो हैं उनकी लिटरली डेथ हो गई, और वो भी इस तरह से. सो यू नो आई जस्ट कांट से एनीथिंग. बस इतना ही कहूँगी कि उनकी फैमिली जो है वो अपने आप को संभाल ले, और जस्ट होपिंग फॉर देयर बेस्ट. थैंक यू सो मच. इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रेस्टीजियस अवार्ड है, और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव बीन इनवाइटेड फॉर दिस अवार्ड. और एक अवार्ड, ये जो अवार्ड है एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मींस एनी अवार्ड, बट बीइंग द इंडस्ट्रीज प्रेस्टीजियस अवार्ड, दिस इज लाइक आई मीन रियली इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट इन इट्सेल्फ. सो
इट्स ऑलरेडी ऑन एयर, तो आई एम रियली एक्साइटेड. आई एम और जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर, सो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू अ नेगेटिव कैरेक्टर. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड एंग्शियस एट द सेम टाइम. एक आर्टिस्ट के लिए कोई भी अवार्ड इम्पॉर्टेंट होता है. अब दादा पाल के इंटरनेशनल अवार्ड जो हैं, बीइंग इंडस्ट्रीज मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एक आर्टिस्ट की लाइफ में यार. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. फंक्शन मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ ये अवार्ड, और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है सुजॉय मुखर्जी, ही इज गॉट एन अवार्ड फॉर द फिल्म ही रिसेंटली प्रोड्यूस, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम. जी मैंने अभी जस्ट मेंशन किया, मेरे जो दोस्त है सुजॉय मुखर्जी, ही इज द सन ऑफ अ लेट एक्टर हु पास्ड अवे फ्यू इयर्स बैक. ही इज गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म, so I'm very happy for him. I just met him there and congratulated him. yes I think ये एक बहुत ही prestigious award है, क्योंकि ये हमारे normal award functions जैसे नहीं है जो एक time दिया जाता है और बहुत late शुरू हो जाता है. ये यहाँ पे जो time दिया जाता है time पे शुरू होता है. it's a very respected award and I hope that someday मैं इतना अच्छा काम करूं कि मैं भी इस अवार्ड के काबिल हूं. थैंक यू, बाय. It's a very prestigious award and I'm honored to be here and I wish them all the best. It's pehli baar main ye awards attend kar raha hu, so I'm very excited and 2019 is a special year for all of us. It's my 20th anniversary calendar aur ye saal main 25 saal celebrate karne wala hu industry mein, so it feels good to be here. I'm nominated as a photographer, I guess. I think it's excellence in photography. As an Indian, we were felt very appalled. We felt very very disturbed, because you know, it was very very disturbing. Though then we couldn't even focus on anything. That's all that was going on in our mind. So it feels really saddening, and my heart goes out to all the people, to all the, you know, people up there who are helping us, who are helping our country. So my deepest condolence and all the best wishes. इतना जो बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी प्रोग्रेस कर रही है और उनके नक्शे कदम पे चल रही है, तो हम लोग बस यही विशेस करते हैं और आज जितने भी अवार्डीज हैं सबको ऑल द बेस्ट बोलते हैं. एंड वी आर इंडस्ट्री सब उनके वजह से ही है, सब दादा साहब फाल्के सबके वजह से. सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू ऑल द अवार्डीज. थैंक यू सो मच. गोरी है तो किन गोरी है, तू जमीन पे चांद की जोड़ी है, बुरी है बड़ी बुरी है, दुनिया की नियत छोड़िए, नजर ना लग जाए जानू, थॉट ये घबराए सानू.
नजर ना लग जाए जानू थॉट ये घबराए सानू। हाय गाइस, मैं हूँ ऐश किंग। ओके, ये मेरा पहली बार है यहाँ पे एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग टू सेलिब्रेट the talent and the I think it's amazing to celebrate the talent and the achievements of people that work hard in our industry. So I'm really proud to be here to support the event. For an artist, it's very important, not only for the artist, but jo hai jo artist ko support karte, jo hard work karte behind the scenes, not just the artist, but ek artist akela. It's not just one artist. वो artist के पीछे बहुत बहुत लोग हैं and for the whole team it's very important, very encouraging, very inspiring. It's a very unfortunate thing, if only, you know, we could, if only the world was a better place, kind of thing. So many things happen. Mera kaam hai to try and lighten up the mood, try and help people, entertain people, but at the same time, kuch cheezo jo hota hai, you can't be positive about them. It's not nice. It's not nice. And it's a very sad thing. Thank you. अच्छा लग रहा है तो मैं तो थैंक यू कहना चाहूंगा सबको, और यहाँ पर भी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है उरी के मेहनत के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत सैड बात थी, हम सबके लिए बहुत पर्सनल लॉस है, और सबके अंदर बहुत आक्रोश है, सबके अंदर बहुत पेन है, और यही वक्त है हम सबको यूनाइटेड रहने का, बिकॉज दैट इज द परफेक्ट आंसर टू टेररिज्म आई थिंक। इस वक्त पे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पूरा देश आपके साथ है। थैंक यू।